나요. 파시도 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 또 아까 빠빠 이게 렉 파시도 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 Touch the bar!
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप यहाँ तक आए और जो आज हमने प्रोटेस्ट किया है ये कश्मीर में पहली बार नहीं, दो तीन बार हुआ, मगर ऐसे जानवर भी अभी जम्मू कश्मीर में ऐसे जानवर पैदा हुए हैं जो हमारी बहनों के ऊपर तेज़ आब डाल रहे हैं। मैं समझता हूं कि आज पूरे जम्मू कश्मीर का सिर है कि हम बाहर मैसेज क्या दे दें लोगों को जो हमारे पास आते हैं बाहर से या इस कश्मीर में विज़िट करते हैं, उनको क्या बताएं हम। ये बड़ी अफसोस की बात है। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक घंटे में इनको अरेस्ट किया है, मगर ये अरेस्ट तक महदूद न रहे, इनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और लाल चौक के अंदर इस दरिंदे को फांसी मिलनी चाहिए, जिससे आइंदा ऐसा कोई हैवान इंसान ये सोच न सके कि मैं ऐसा वाकात यहाँ कश्मीर में करूँ। मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर गवर्नर साहब और मरकज़ी हुकूमत से भी अपील करता हूँ कि ऐसे दरिंदे को चौराहे पे लाकर फांसी दी जाए। हम समझते हैं कि हमारे बहनें आज अपने घरों में भी, अपने जॉब में भी, जहाँ पे भी निकले वो अपने आप को महफूज नहीं समझती है। ये हर एक कश्मीरी का हक बनता है कि आज इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और हमारी जो बहनें हैं जो हर वक्त इज्जत व वक़ार के साथ घूमें और इनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इस कश्मीर में। एक आदमी के ऊपर फर्ज है, हम अपनी सोसाइटी को तब पाक कर सकते हैं हम अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारें, अपने बच्चों के ऊपर भी नज़र रखें। हर एक सोसाइटी, बीजेपी का ही मामला नहीं है, हर एक सोसाइटी के शख्स के ऊपर ये फ़र्ज बनता है कि हम अपनी सोसाइटी को पाक करें। हूँ यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से कि इनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि सबसे अफजल होगा कि अगर इसको फांसी मिल जाएगी, क्योंकि इससे पूरा माशरा तबाह नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले कई बार ऐसे वाका रून को बेल आउट किया है। मैं समझता हूं इस बार ऐसा न हो और इसको फांसी की सजा हो, जिस तरीके से